तो हुण वेखदे आ खबरां विस्थार दे नाल। सब तो पहला गल करदे आ नवजोत सिंह सिद्धू की। जे नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई होगी ज नहीं, इस लैके शशोपंच सस्पेंस लगातार बरकरार है। रिहाई से जारी सस्पेंस लैके हुण नवजोत सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला का बयान सामने आया। उन्हें कहा कि हुण तक रिहाई बारे सानू कोई भी जानकारी नहीं दिती गई। जिहड़े पोस्टर्स लगाए गए ने वो सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद के लगाए गए ने कि नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ जाएंगे। जी हाँ, 26 जनवरी ही सरकार वालों जानकारी साझी करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल तस्वीर जड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जड़े होर्डिंग्स वड़े वड़े लगाए गए हैं, नवजोत सिंह सिद्धू वेलकम करते हैं दर्शाते हैं पोस्टर कि वाकई ही हकीकत के तब्दील होंगे, हकीकत वेखन मिलेगी। 26 जनवरी सिद्धू की रिहाई हो पाएगी, सस्पेंस इस उपर बरकरार है। सुरेंद्र डल्ला का फिलहाल कहना है कि हाले तक तो साढ़े को इस संबंधी कोई भी जानकारी नहीं आई, ताकि सरकार इस गल को लेकर राजी होगी कि वाकई ही नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ राहत मिलदिया समय तो पहला 26 जनवरी वाले दिन रिहा किया जाएगा। यह हाले देखना बाकी रहेगा, पर इस उपर दुचित्ती लगातार बरकरार है। पोस्टर्स जरूर लग गए हैं, पोस्टर्स को लेकर भी सुरेंद्र डल्ला ने कह दिता है कि यह सिर्फ उम्मीद है, उम्मीद के सिर पर ही यह पोस्टर लगाए गए। किते लगे ही ना रह जान ऐ होर्डिंग्स, किते लंबी ना हो जावे हमायतियां दी उड़ीक। मुख्यमंत्री दे दौरे ने वधाया सस्पेंस, नवजोत सिद्धू दी रिहाई होवेगी मुमकिन? रोड रेज मामले च सजा कट रहे नवजोत सिद्धू दी आंदे गणराज दिहाड़े ते रिहाई दियां उम्मीदां हुण सस्पेंस च तब्दील हो चुकियां ने। जां फिर इंज कहा जावे कि आस हुण टुटन दी कगार ते पहुंच गई है, ते इस दी वजह है मुख्यमंत्री वल्लों अजे तक इस मामले ते कोई फैसला ना लिया जाना। उस तों वी वध मुख्यमंत्री दा पंजाब च ना होना सिद्धू अते उहनां दे हमायतियां दे इंतजार नूं होर लंबा करदा नजर आ रहा है। दरअसल पंजाब जेल विभाग ने पिछले महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं सिद्धू नूं समय तों पहलां छड्डण दी सिफारिश कीती सी। इस च सिद्धू दे चंगे वतीरे दा हवाला दिता गया सी, पर हुण तक मुख्यमंत्री वल्लों इस ते कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अजे भी मुख्यमंत्री पंजाब तो बाहर मुंबई दौरे ते ने, जिथों ओह भोपाल भी जाणगे। दावा कीता जा रहा है कि 25 जनवरी शाम तो पहला मुख्यमंत्री पंजाब नहीं आउणगे, जिस करके 26 जनवरी नूं नवजोत सिद्धू दी रिहाई नामुमकिन जही नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि हुण तक सरकार दी जां फिर सरकार दे किसे नुमाइंदे दी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इत्थे एक होर पेच है जो नवजोत सिद्धू दी 26 जनवरी नूं रिहाई च अड़िका बन सकदा है। किसी भी अपराधी दी सजा समय तो पहला खत्म करन दे फैसले नूं कैबिनेट दी मंजूरी चाहीदी है। कैबिनेट दी मंजूरी तो बाद यह फाइल राजपाल दे कोल मंजूरी दे लई जांदी है। इस दे बाद ही किसी भी कैदी की रिहाई समय तो पहला मुमकिन हो सकती है, ते 26 जनवरी तो पहला यह सारी प्रक्रिया होनी काफ़ी मुश्किल जापती है। हालांकि नवजोत सिद्धू दे हमायती इस उड़ीक च बैठे ने कि वह छेती ही जेल तो बाहर आउणगे। ना सिर्फ हमायती सगों कांग्रेस पार्टी नूं भी आस है कि दो दिन बाद यानी गणराज दिहाड़े ते जेल तो वह रिहा होणगे, ते इसे आस नाल ही कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू नूं भारत जोड़ो यात्रा दे अखीरले दिन यानी 30 जनवरी नूं इस दा हिस्सा बनण दे लई भी सद्दा दिता है। चाहुंदे आ कि रब साडी अरदास भी सुणे, ते उम्मीद करांगे कि 26 जनवरी नूं उह भी रिहा हो जाण, क्योंकि साडी आज़ादी दा 75वां वरा चल रिहा, ते अमृत महाउत्सव दे तहत बहुत सारे साडे नागरिक ने जिहड़े जेलां दे विच ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ
फिलहाल नजर नहीं आ रही। बीटीसी न्यूज दिल्ली लिए लुधियाना तो नवीन शर्मा की रिपोर्ट। तब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मुंबई का दौरा किया, जहां मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करन पहुंचे हुए ने भगवंत मान। निवेशकों को सन्नत पक्षी माहौल के निवेश करने की अपील करते विखाई दिए। सीएम श्रोमणी अकाली दल ने इस लैके तंज भी कसया। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि उद्योगपतियों के कोलों किहड़े आधार से आखिरकार निवेश मंगणगे। सीएम पहला पंजाब तो भज रही इंडस्ट्री तो रोक लैन मान। निवेशकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए कानून व्यवस्था वाल सीएम ध्यान देना चाहिए। इन्ह टिप्पणियों के नाल श्रोमणी अकाली दल ने सीएम के मुंबई दौरे से तंज कसे ने। मैं मुंबई में दो दिन के दौरे पर आया था। हम इन्वेस्ट पंजाब करके एक सबमिट कर रहे हैं कि आइए पंजाब में, आपने नॉर्थ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस। और उसका हमारा टैगलाइन भी है इन्वेस्ट इन द बेस्ट। कोई एग्रो इंडस्ट्री का है, कोई साइकिलिंग का है, कोई ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है। सबसे मिलाऊँ, पर्सनली मिलाऊँ और यही न्योता दिया है कि पंजाब में आइए। पंजाब इज़ नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। हम लोग मेज़बान बनने में सबसे माहिर हैं। मेरा एक ही बस स्वार्थ है इसमें, स्वार्थ बोल लो इसको, कि मेरे पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों को काम दे दो। तो टाटा स्टील इज़ कमिंग देयर। बर्बियो जर्मनी की कंपनी है जो पराली को से बायोगैस बनाती है। फ्रेडनबर्ग जो मर्सिडीज़ के सेंसर बनाती है वो है हमारे पास। क्लास है, कारगिल है, पेप्सिको है, वर्धमान है, मोंटी कार्लो है, हीरो साइकिल है, एवन साइकिल है। तो पंजाब में कोई हौजरी का सारा, लुधियाना है टेक्सटाइल, कोई ऐसी कमी नहीं है। मुख्यमंत्री साहब इन्वेस्टमेंट लैन वास्ते कितने भी जान चंगी गल है, पर जाके कहेंगे कि तुहाडे अपने जिहड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है पंजाब के, वो सारे यूपी के मुख्यमंत्री साहब के सामने कुछ दिन पहले जाके बैठे सी कि पंजाब दे विच असी सेफ नहीं हैगे, सानू किसी तरीके तुसी सपोर्ट करो कि असी यूपी आने वास्ते तैयार। पंजाब का तुहाडा इंडस्ट्रियलिस्ट जे एंड के दे लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाके बैठा सी थोड़े दिन पहला कि असी पंजाब दे विच टोटली अनसे महसूस करते हैं, सानू इत्थे कोई स्कीम दिओ, असी इत्थे सैट होना चाहते। जे ये तुहाडी लाइन आर्डर की हालत है तो बैटर है कि तुसी पहला अपना घर ठीक करो, दूजे नूं जाके की कहोगे। तुहाडे पहुंचण तो पहला तुहाडी लाइन आर्डर की स्थिति जिहड़ियां खबरां ने उत्थे पहुंचियां होंदियां। इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़ा इन्नी कु समझ जरूर रखता है कि जिस स्टेट के विच उन्हें इनवैसट करना उत्थे दे हालात उन्हें पता होंगे कि वो इनवैसटमेंट सेफ है कि नहीं, उन्होंने रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी। इस करके कल्लियां खबरां बनाउण वास्ते उत्थे जाके तुसी मीटिंग तो कर लो कि वो तो तुहानूं चाह पानी पिया देणगे, पर जिहड़ी उन्हां दी अंदरली जिहड़ी जिस गल दी चिंता उन्हां नूं उह किवें दूर करोगे, जिन्नी देर तक तुसीं माहौल नहीं ठीक करदे उन्नी देर तक इनवैसटमेंट संभव नहीं है। तां सिद्धे तौर ते श्रोमणी अकाली दल दी सलाह ही है सीएम नूं कि पहलां पंजाब दे विच कानून व्यवस्था दा माहौल ठीक किया जा सके तां ही निवेशक पंजाब आउणगे। उधर मुंबई निवेशकों के नाल मुलाकात करन पहुंचे सीएम भगवंत मान का वड्डा बयान वेखन नूं मिलिया, जिन्हां ने कहा कि ग्रीन स्टैंप पेपर दे राहीं उद्योगां दे लई खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री होगी, वक्त तो सीएलयू लैन की कोई लोड़ नहीं पवेगी। जहां सुखाला माहौल देण दा दावा करदे विखाई दिते इंडस्ट्रियलिस्ट नूं उद्योगपतियों सीएम भगवंत मान। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के नाल ही निवेशक इंडस्ट्री लाउण दा काम शुरू कर सकणगे। पंजाब दे विच इंडस्ट्रियलिस्ट नूं ग्रीन स्टैंप पेपर के राही उद्योगों के लिए खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री की फैसिलिटी दी जाएगी, अड तो सीएलयू लैन की भी कोई लोड़ नहीं पवेगी, यह दावा किया है सीएम मान। जैसे सीएलयू है, आपने जमीन खरीद ली, लेकिन जमीन पंजाब की 96% जमीन हमारी एग्रीकल्चर की है, तो आपको सीएलयू लेना पड़ेगा कि आपने इस पर एग्रीकल्चर नहीं, इस पर फैक्ट्री लगानी। वो सीएलयू बड़ी दिक्कत है, चार चार पाँच पाँच महीने लग जाते हैं, फिर रिश्वत चलती है, दो आधा हो जाती है, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का
एनवायरनमेंट का आपको बहुत से एनओसी लेनी पड़ती है। हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में अभी तक किसी स्टेट ने नहीं किया, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है हमारा। हम स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग कर रहे हैं। अगर आपने 40 एकड़ ज़मीन खरीदी, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर खरीदा, इसका मतलब है आप उस पर इंडस्ट्री बनाओगे और उसमें लिखोगे कि इंडस्ट्री है। उसमें CLU के पैसे भी हम चार्ज कर लेंगे, बाकी सभी NOC के पैसे भी चार्ज कर लेंगे। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होगी, तहसीलदार ने साइन कर दिया, यू आर गुड टू गो, अगले दिन आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल रुक कर दे अगली खबर का। पतंगबाजी के शकीना नूं DJ लाना इस बार महंगा पै सकता है जी। अब बसंत पंचमी मौके खन्ना पुलिस की सख्त चेतावनी वेखन नूं मिली है। सख्त वार्निंग दिंदिया पुलिस ने कहा कि इस नियम की उलंघना करन वाले ते सख्त कार्रवाई होगी, जेल यात्रा भी करवा सकता है DJ, किराए ते DJ देने वाले मालक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी पुलिस ने दे दी है। जी हाँ, तुहानूं दस दे, अक्सर वेख्या जाता है कि अजिहे मौकों पर पतंगबाजी के शकीना वालों वड्डे वड्डे DJ लगाए जाते हैं, DJ लगा के गुड्डियां उड़ाई जांदियां ने, पतंगा उड़ाई जांदियां ने। पर इस बार पुलिस की यह ताड़ना है कि ना तो DJ दिता जाए, ना ही DJ किराए से लवाया जाए, नहीं तो जेल यात्रा करनी पै सकती है जेकर यह रूल टुटता है। तो पुलिस ने लोगों को चाइना डोर भी ना वरतन की अपील की। चाइना डोर वेचन वालों से इरादा एक कतल का मामला दर्ज करने की चेतावनी पुलिस ने जारी कर दी है। तो वड्डा एक्शन, वड्डी सख्ती पुलिस की चाइना डोर के खिलाफ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਤੇ 307 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ DJ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ DJ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਊਟ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ DJ ਵਾਲਾ ਵਿਦਾਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। तो सख्त ताड़ना दी गई है तमाम उन्होंने लोगों जो पतंगबाजी के शौकीन ने कि DJ ना इस बार लवाया जाए। साढ़े सहयोगी गुरदीप इस वेले जुड़ चुके हैं, फोनलाइन से मौजूद ने। ऐसे खबर से और अपडेट देने के लिए गुरदीप, जानना चाहेंगे तुहाडे कोलो, ए पुलिस ने आखिरकार यह जड़ा एक नवा रूल सामने रखिया जनता दे कि DJ किराए से लैके ना लाए जान, DJ के शौकीन जेल यात्रा भुगतन नूं तैयार रहन, जेल यात्रा करन नूं तैयार रहन, आखिरकार की वजह दसी जा रही है? जी अमित, इसकी मुख्य वजह तो यही दसी जा रही है, एक तो है नॉइस पोल्यूशन, जिहड़ा है नॉइस पोल्यूशन हुंदा है उसनू घट करना है, क्योंकि एक आम तौर पर देखने को मिले जो भी पतंगबाजी की जाती है तो उची उची आवाज के DJ लगाए जाते हैं, जिदे नाल कि आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पैंदा, क्योंकि कई बार घर के मरीज हुंदा है जां विद्यार्थी हुंदे ने, उन्होंने बहुत डिस्टर्बेंस होंगी है। तो इस दे नाल नाल ये भी थोड़ा बहुत जिवें कि पतंगबाजी जिवें प्लास्टिक डोर से काबू पाने लई भी इसनू एक स्टैप मनिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इदां कि जिहड़े पतंगबाजी करदे ने उह बिना DJ तो ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ DJ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ DJ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, बेहद शुक्रिया गुरदीप, सारी जानकारी साढ़े दर्शकों तक पहुँचाने लिए। सो नॉइस पोल्यूशन नू घटाने दे लई ते नाल ही चाइना डोर के घातक परिणामों वेखदे होए पुलिस की यह सख्ती वेखन मिली है। उम्मीद यही की जा सकती है कि लोग भी इन्हां गाइडलाइनस नू गंभीरता दे नाल लैणगे। रुख हुण करदे हां अमृतसर तों आई खबर दा। अमृतसर दे विच इक होर लतीफपुरा बनाउण दा तैयारी कर रहा प्रशासन। जी हाँ, एक होर लतीफपुरा वर्गे उजाड़े की तैयारी हो रही अमृतसर दे विच। दरअसल इत्थे 800 तो वध घर खाली करन दे हुकम जारी कर दिते गए ने, 800 तो वध घर। जी हाँ, अमृतसर की यह खबर है। दरअसल वकफ बोर्ड वालों घर खाली करन दा इत्थे दबाव बनाया जा रहा है। शहीद ऊधम सिंह कलोनी दे विच, शहीद ऊधम सिंह कलोनी के वासियों का गुस्सा अज सरकार के खिलाफ फुटदा विखाई दिता। CM के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन खिलाफ नारेबाजी इतों के वसनीक करते विखाई दते। ही मनुखी अधिकार संगठन भी पीड़ित परिवारों के हक च नित्रता विखाई दे रहा। पीड़ित परिवारों का कहना कि असी 50-60 साल तो इतें ही रह रहे हैं, आखिरकार अज सरकार की सुझी है कि अचानक नोटिस दे दिए गए हैं, अचानक उन्होंने
घर खाली करने लिए कह दिया गया। लतीफपुरा की तर्ज से गुरु नगरी अमृतसर च भी 800 तो वध घर खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड वालों वसनीकों पर दबाव बनाया जा रहा है। असं इस वे मौजूद हाँ शहीद उधम सिंह कलोनी जो कि अमृतसर विखे चबाल रोड से स्थित है। तस्वीर तुम देख सकते हो काफ़ी पुराने घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को 50-50 साल तो भी वादा समा हो चुके इतने रहिंदियां नूं, पर अचानक वक्फ बोर्ड इतने पुलिस के नाल पहुँचता है तो इन लोगों के हाथ एक आदेश सरकारी फरमान जारी किया जाता है कि यह घर जिहड़े है तुरंत खाली किए जाने क्योंकि ये जमीन जिहड़ी है वक्फ बोर्ड की। हालांकि इन लोगों को सिर्फ आके जबानी एक आदेश जारी किया गया और किसी तरह का कोई एविडेंस कोई कागज जेड़े है वक्फ बोर्ड वालों नहीं दिखाए गए। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। की घटना वापरी क्यों तुम्हें खाली करनी क्या वक्फ बोर्ड के जबकि इतने मालिक ही नहीं है वक्फ बोर्ड की जगह ही नहीं है ये सेंटर सरकार की जगह बोलती है। अभी काफ़ी चीज़ा अभी अंदरों जमाबंदी भी कढ़ा रहे हैं। अभी 1965 तक जमाबंदी कढ़ा रही हूँ 1940 तक पिछले जा रहे हैं वो भी जमाबंदी कढ़ा रहे हैं। वक्फ बोर्ड 850 घर वक्फ बोर्ड कह रहा सानू मेरा 850 घर इतने अभी उन्होंने जबकि बार बार यो कहने भी आ इतने दसो सा 850 घर ताडा है कड़ा 100 150 बंदा पुलिस ने लिया के सानू कह जा रहा भी मकान खाली करो। असी तो फैसला कर लिया भी अं वक्फ बोर्ड इतने वड़ नहीं देना वक्फ बोर्ड जिते मर्जी भज ले नहीं। फिर जो सरकार अपनी आई तो लतीफपुरा वाग इतने भी घटना हो सकती है इतने भी जबरदस्ती करंट आया जा सकता है लोगों को बेघर किया जा सकता है। हाँ इन्हें लतीफपुरा करके असं सारे ता ही वार्ड सारी इकट्ठी की है मैं भी अभी तो लतीफपुरा बननी देना सवेरे भी सू कह गया तुहाडे लाठीचार्ज करांगे तुहाडे परचे करांगे अही क्या करो अही तैयार हाँ। सूबा सरकार का रवैया सूबा सरकार जी ना सुती हुई मेरे हिसाब ना क्योंकि देखो इन्ने लोगों की आवाज़ पहला हाँ वाकई जो सूबा सरकार जाग जुगत होंगे वो इतने वक्फ बोर्ड आँदी ना क्योंकि वेखो अज तो लो पहला इस तरह कभी किसी ने होया नहीं कि जो इतने हो रहा लतीफपुरे के भी तुम देख लिया उत्थे 85 घर ही इतने 850 घर है तो पहला 85 इस तरह घरों बेघर किया हूँ 850 कर तैयारी कर दे। तो मनुखी विकास संगठन के जसविंदर कौर सोहल बीबी इतने पहुंचे ने की लग रहा हूँ किस तरह सरकार तक इन्हों की आवाज़ पहुँचाई जाऊ ज किस तरह इन्हों सहयोग दूगा पहले तुम लतीफपुरे के लोगों उजाड़ते हो हूँ अज तुम इधर आ गए हो हाउस टैक्स भी देंगे दे। देखो किड्डे शर्म की गल है फिर यह जिहड़ा परसन है यह वक्फ बोर्ड वालों इतने आता है तो इतने कई लोगों के कोल इतने पैसे लेके जा चुके जो इतों के इलाका निवासियों का कहना है टैक्स भरे ने तो अज वक्फ बोर्ड का कहना है जी ये साडा इंपलॉई नहीं सी। देखो उन्हां दी बेशर्मी दी हद देखो कि मरे हुए लोकां ते भी इत्थे केस कीते गए ने और उन्हां ते संबन भेजे गए आ यानी कि इत्थे साफ जाहिर हो रहा है कि वक्फ बोर्ड चोर है और किते ना किते लैंड माफिया दे नाल लोग मिले हुए सारयां दी रली भगत है जो कि लतीफपुरे भी देखण नूं आई कि जेकर उत्थे जांच हुंदी है तो बहुत सारे पोलिटिकल फेस सामने आउणगे जिहड़े कि उत्थे लैंड माफिया ने जो रले हुए आ लेकिन इत्थे गल गरीबां दे हक्कां दी है तो मैं इन्हां दे नाल दिन रात जिथे आवाज़ मारनगे मैं खलोती हाँ जिस प्रोटेस्ट च कहणगे मूहरे सब तो पहले मैं ही इन्हां नूं खड़ी दिखाई देवांगी इन्हां दे जिहड़े हक्कां दी राखी लई असीं खड़े हाँ इन्हां नाल धक्का नहीं होण देवांगे। लोगों वालों ऐलान कर दिया गया कि इन्हों वालों कुछ भी होवे सरकार जिन्ना मर्जी शब्द चाहे ये अपने घर खाली नहीं करनगे जो इन्हों वालों तिनका तिनका जोड़ के बनाए गए ने देखने वाली गल है कि अगे की हालात बनते हैं कदों सरकार इन्हों लोगों की सार लेंदी है। कैमरा पर्सन अवतार सिंह मनिंदर सिंह मौंगा PTC न्यूज़ अमृतसर। वाकई ची लोगों के रोष जायज़ है 50-60 साल तो रह रहे हैं लोग अचानक अपने उजाड़े की जब कल्पना भी करते हैं तो उन्हों का यह डर वाकई च लाजमी समझा जा सकता है। छोटे जे ब्रेक लिए फिलहाल असं इतने रुकेंगे ब्रेक के उस पार कुछ होर खास खबरें।